राजस्थान के जालौर में टीचर के थप्पड़ से बच्चे की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि उदयपुर के माउंट लिट्रा जी स्कूल के एक टीचर ने 14 साल के बच्चे का सिर टेबल पर दे मारा, जिससे मासूम बच्चे के आगे के दो दांत टूट गए। बच्चे की गलती बस इतनी थी कि टीचर ने किसी और बच्चे से सवाल पूछा था और जवाब इस बच्चे ने दे दिया था। ऐसी बात पर टीचर बुरी तरह से भड़क गए और उसने बेरहमी से बच्चे का सिर टेबल पर दे मारा। शुक्रवार को बच्चे के परिवार वालों ने उदयपुर के हिरणम नगरी थाने में टीचर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुक्रवार को हिरणम नगरी पुलिस बयान दर्ज कराने के बाद स्कूल पहुंची। पुलिस ने स्कूल स्टाफ से लंबी पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि भारत नाम के शख्स ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में लिखवाया गया है कि उनका बेटा सम्यक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल में पढ़ता है और वह 8वीं क्लास का छात्र है। गुरुवार को लास्ट पीरियड में हिंदी की क्लास चल रही थी। टीचर कमलेश ने एक अन्य छात्र से सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब सम्यक ने दे दिया। ऐसे टीचर वैष्णव नाराज हो गए। उन्होंने सम्यक का सिर पकड़कर जोर से टेबल पर दे मारा, जिससे उसके आगे के दो दांत आधे टूट गए। घर वाले सम्यक को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि उसके दोनों दांत टूट गए हैं, इसकी वजह से अब नए दांत नहीं आ सकेंगे। घर वालों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षक ने छात्र का उपचार भी नहीं करवाया और ना ही घर पर किसी तरह की कोई सूचना दी गई। सम्यक ने घर पर आकर परिवार वालों को सारी बात बताई। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों से बात की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।